गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि वेस्टिज POS ऐप से ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर वेस्टिज POS ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड कंप्लीट होने पर इसको ओपन कीजिए। ओपन होने पर आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी जैसे अभी आपके सामने है। जब आप पहली बार इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके पास चार नए मैसेज आएंगे। यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करके अगली स्क्रीन पर जाएं। अब आप इस स्क्रीन पर होंगे। यहाँ पर अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए। अभी टेस्टिंग के लिए हम एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पर आपके सामने ये स्क्रीन होगी। यहाँ पर ऑर्डर लगाने के लिए ऑर्डर पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, आपका नेम और आपका कोरियर एड्रेस होगा। यहाँ पर यदि आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो चेंज एड्रेस पर क्लिक करें। चेंज एड्रेस पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर आप न्यू एड्रेस पर क्लिक करें और यहाँ पर जाकर अपने एड्रेस की सारी डिटेल फिलअप करें और उसको सबमिट करें। यदि आप अपना एड्रेस चेंज नहीं करना चाहते हैं तो पिछली स्क्रीन के ऊपर वापस आएं। अब आगे शॉपिंग करने के लिए ऑर्डर पर क्लिक करें। यहाँ पर अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालें और प्रोसीड पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर आपको वेस्टिज की सारी कैटेगरीज दिखाई देंगी। यहाँ पर यदि आप किसी एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो उस कैटेगरी पर क्लिक करें। अगर आप अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो ऑल कैटेगरी पर क्लिक करके अगली स्क्रीन पर जाएं। इस स्क्रीन पर आप सर्च आइटम में किसी भी आइटम का नेम टाइप करें। यहाँ पर यदि आप स्पाइरुलिना की शॉपिंग करना चाहते हैं तो स्पाइरुलिना लिखें और नीचे उस आइटम के सामने प्लस माइनस साइन से उसकी क्वांटिटी डालें। और यदि आप उस आइटम का डिटेल देखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करके उसका पूरे का पूरा डिटेल देख लें, नहीं तो पिछली स्क्रीन पर वापस आएं। अब आइए हम दो तीन आइटम की शॉपिंग और कर लेते हैं। यहाँ पर यदि आपको सोप चाहिए तो सोप टाइप करें और उस आइटम की क्वांटिटी को प्लस माइनस साइन से एंटर करें। और यदि आपको शैम्पू चाहिए तो सिंपल शैम्पू टाइप करें और उस जो भी आपको शैम्पू चाहिए वहाँ से प्लस माइनस साइन के ऊपर क्लिक करके उसकी क्वांटिटी डालें। अब प्रोसीड पर क्लिक करें। अब ये सब आइटम आपके शॉपिंग कार्ट में ऐड हो जाएंगी। यहाँ से व्यू प्रमोशन पर क्लिक करके आप अपने प्रमोशंस का बेनिफिट ले सकते हैं। अब इस स्क्रीन पर वापस आएं और प्रोसीड पर क्लिक करें। यहाँ पर एक बार आप अपना टोटल अमाउंट चेक कर लें, डिलीवरी एड्रेस चेक कर लें और ऑर्डर में जो जो आइटम आपने डाली हैं उसको यदि आप चेक करना चाहते हैं तो व्यू डिटेल में जाकर उन आइटम्स की डिटेल चेक कर लें। अब यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के सामने 0.0 पर क्लिक करके अपने ऑर्डर का अमाउंट देखें। अब यदि आप अपने किसी बोनस अमाउंट का इस ऑर्डर में बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो यूज़ बोनस पर क्लिक करें और यहाँ पर जाकर अपना वाउचर नंबर डालें। अभी टेस्टिंग के लिए हम एक वाउचर नंबर डालते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पर उस वाउचर की सारी डिटेल देखने के बाद ओके पर क्लिक करें। यहाँ पर एक बार फिर से ऑनलाइन पेमेंट के सामने 0.0 पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे आपका बोनस का अमाउंट टोटल अमाउंट में से लेस हो गया है। अब प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके इस मैसेज को ओके करें। तो दोस्तों, हमने देखा हम अपने लिए शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं अपनी डाउनलाइन के लिए शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ऑर्डर पर क्लिक करें। अब यहाँ पर अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ना देकर अपने डाउनलाइन का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दें। अभी टेस्टिंग के लिए हम एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी देकर डन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके डाउनलाइन का नाम और उसका एड्रेस होगा। यहाँ पर ऑर्डर लगाने के लिए ऑर्डर पर क्लिक करें और उसका अल्टरनेट नंबर देकर प्रोसीड पर क्लिक करें। यहाँ से ऑल कैटेगरी पर क्लिक करके उसी तरह शॉपिंग करें जैसे आपने अपने लिए की थी। यहाँ से आइटम का नाम टाइप करके उसकी क्वांटिटी डालें और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके आगे जाएं। यहाँ से व्यू प्रमोशंस एंड वॉचर्स पर क्लिक करके अपने प्रमोशंस को सिलेक्ट कर लें और प्रोसीड पर क्लिक करके अगली स्क्रीन के ऊपर जाएं। अब इस स्क्रीन पर जैसा कि आपको पहले बताया था, ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करें तो आपके ऑर्डर का पूरा अमाउंट आ जाएगा। अब यूज़ बोनस के ऊपर क्लिक करके अपने बोनस का वाउचर नंबर डालकर उसको वेरीफाई कर लें। अभी टेस्टिंग के लिए हम एक वाउचर नंबर डालकर उसको वेरीफाई करते हैं और उसकी डिटेल देखने के बाद उसको ओके करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के सामने 0.0 पर दोबारा से क्लिक करें तो आप देखेंगे आपके बोनस का अमाउंट टोटल अमाउंट में से लेस होकर आ गया है। अब यहाँ पर प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर
ओके के ऊपर क्लिक करें। अब आपने जो ऑर्डर लगाए हैं उसकी पेमेंट करने के लिए इस स्क्रीन पर आएं और माय ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपके और आपके डाउनलाइन दोनों के ऑर्डर की डिटेल शो होंगी। इनकी पेमेंट करने के लिए अनपेड के ऊपर चेक बॉक्स में क्लिक करें और सबसे ऊपर स्क्रीन पर पे के ऊपर क्लिक करें। अब इस मैसेज को देखकर इस पर क्लिक करें। अब पेमेंट ऑप्शन के लिए पे पर क्लिक करें। यहां से आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड को सिलेक्ट करें। यदि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग किसी से भी पेमेंट करना चाहते हैं वहां पर क्लिक करके और आगे चलें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपने लिए और अपने डाउनलाइन के लिए वेस्टिज POS ऐप से शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। विश यू वेल।